स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं वॉलपेपर हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये वीवो का फ़ोन है और सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सेटिंग पर क्लिक करना होगा। तो कर लेंगे फ्रेंड्स। सेटिंग पर क्लिक करते ही आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, ऊपर की साइड से स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है लॉक स्क्रीन वॉलपेपर। तो लॉक स्क्रीन वॉलपेपर पर हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करते ही आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, वॉलपेपर पर क्लिक कर लेंगे। वॉलपेपर पर क्लिक करते ही आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, डाउनलोड मोर पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है वॉलपेपर दिए जा रहे हैं, जिसमें हमें पे करना होगा, पर हमें पे करने वाले नहीं चाहिए। हम ऊपर सर्च करेंगे फ्री, तो मैं कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने फ्री वॉलपेपर सर्च कर लिया है और आप इसमें से कोई सा भी वॉलपेपर सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये वाला चेंज करना चाहता हूँ तो मैं इसको लगाना चाहता हूँ और डाउनलोड कर लूँगा और यहाँ से अप्लाई कर दूँगा। अप्लाई करते ही आप देख सकते हैं मेरे को ऑप्शन आ रहे हैं, सेट एज लॉक स्क्रीन, सेट एज होम स्क्रीन, सेट एज बॉट। तो मैं लगा लेता हूँ दोनों पर, यानी कि बॉट पर। और मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, जो कि मेरा वॉलपेपर है वो चेंज हो चुका है, ये देखिए। तो मैं लॉक स्क्रीन पर भी लिखा देता हूँ आपको, ये आप देख सकते हैं लॉक स्क्रीन पर भी लग गया है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।